हमनाबाद की मेन रोड कोर्ट के पास का हिस्सा बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था बारिश की वजह से। कई लोग इसमें गिरने की वजह से चोट आई। जैसा ही हमनाबाद टाइम्स की टीम ने ये इत्तला, अभिषेक पाटिल जो TAPCMS प्रेसिडेंट और यूथ कांग्रेस लीडर हैं, तो इन्होंने फौरी तौर पर स्पॉट का जायज़ा लिया और जो कुछ खर्च है वो खुद उठाएंगे ऐसा भरोसा दिलवाया। और साथ ही साथ एक घंटे के अंदर अंदर टेम्पररीली फिल करवाया गया और भरोसा दिलवाया कि जल्द से जल्द ये रोड का काम किया जाएगा। इस मौके पर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट उमेश जमगी, मुकरम अली, सैयद नायस यासिर, सैयद रिहान और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद। देखिए, कल आप मेरे को शायद दोपहर के करीब फोन मैसेज किए थे, व्हाट्सएप में फोटो दिखाए थे, तुरंत मैंने आपको रिप्लाई किया। सारे अधिकारीगण को लेकर आज आया हूँ, हमारे इंस्पेक्टर है, हमारे अध्यक्ष जी के इनो आए हैं, उनके हस्बैंड आए हैं उनके तरफ से, और हमारे काउंसिलर भी है साथ में। इसको अभी तात्कालिक में क्या है, हम अभी GSB डाल के जो भी टेम्पररीली रेडी कर सकते हैं, कोई ना और गिरे और किसी को और हर्ट ना हो, उस तरह का व्यवस्था आज के आज करा देंगे। और आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, यह म्यूनसिपालिटी के अंदर आता है मेंटेनेंस, तो एक 1 CR का ऑलरेडी टेंडर के लिए भेजा है, एस्टिमेट करके 15 से 20 दिन के अंदर टेंडर होने वाला है और काम भी शुरू, पूरा का पूरा नया रोड बन रहा है। तो तब तक कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि मौसम ऐसा है तो ये डांबर रोड के लिए इसका दुश्मन ही वही होता है, जब पानी से नहीं होता। ये रोड बन के भी करीब करीब मेरे को लगता है 8-10 साल हो गया है और एक नया रोड अप्रोच किया है, आने वाले दिनों में जल्द से जल्द करा के देंगे।